क्रिकेट के विवाद में दो समुदाय भिड़े, जमकर हुआ पथराव, चार घायल। पत्रकार समाज कल्याण समिति ने किया किन्नर समाज को सम्मानित, किन्नर समाज को मुख्य धारा में जोड़ने की रखी मांग। तेज रफ्तार का कहर, दो बाइक सवार आपस में भिड़े, एक की गुप्तांग कटने से हुई मौके पर मौत। हाउस टैक्स जमा करने के लिए 20% की छूट पाने को, नगर निगम में उमड़ी भीड़। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने आगरा रोड और दूधपुर में दिया सीलिंग की कार्यवाही को अंजाम। प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी चैत्र नवरात्रि की दशमी तिथि को किया गया विशाल भंडारा। अब बुलेटिन विस्तार से। अलीगढ़ मड्डा क्षेत्र के गांव घासीपुर में बच्चों को क्रिकेट खेलने से मना करने के विवाद में दो समुदाय आमने सामने आ गए। इस दौरान जमकर मारपीट हुई और पथराव भी किया गया, जिसमें एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। देखते ही देखते मामला गर्मा गया, इससे गांव में तनाव भी पैदा हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस को सूचित किया गया। खबर पर SP देहात सहित कई थानों का पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया और बाद में SSP ने भी जाकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस बल के पहुंचने पर स्थिति सामान्य हो गई है। देर रात गांव में पुलिस बल को तैनाती के साथ दोनों ओर से 3 मुकदमे भी दर्ज किए गए। पुलिस ने मामला शांत कराकर 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, बाकी की तलाश जारी है। आज दिनांक 31 मार्च को थाना मड्रा के ग्राम घासीपुर से सूचना प्राप्त हुई कि दो पक्षों में मामूली बात को लेकर के वाद विवाद हुआ, जिसके उपरांत दोनों पक्ष आमने सामने हुए। सूचना मिलने पर थाने की फोर्स द्वारा मौके पहुंचकर शांति व्यवस्था तुरंत तत्काल कायम कराई गई। मौके पर सभी अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना कर लिया गया है, पूर्णतः शांति व्यवस्था कायम है। रात तहरीर पर थाना मड्राक में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। मजलूमों को मेडिकल परीक्षण हेतु भिजवा दिया गया है। एहतियातन गांव में पिकेटिंग करवा दी गई है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अलीगढ़ पत्रकार समाज कल्याण समिति के बैनर तले इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज भान भगैर व विशिष्ट अतिथि जिला समाज कल्याण अधिकारी व जिला प्रोबेशन अधिकारी स्मृति सिंह मौजूद रहीं। इस कार्यक्रम में चवन्नी बाई और किन्नर समाज की गुरु गायत्री का प्रत्येक चिंदे का पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। कहा गया है कि किन्नरों के लिए विशेष स्कूल के अलावा अस्पताल व अनाथालय और राष्ट्रीय बहन का दर्जा देने की आवश्यकता है। जय हिंद जय भारत। मैं चवन्नी माई किन्नर, नई बस्ती अलीगढ़ से, और हम लोग यहाँ आज पत्रकारों की मीटिंग में आए हैं और बहुत मान सम्मान दिया गया है और बहुत अच्छा लगा, बड़े दिल को खुशी हुई। और मालिक जिन्होंने हमारा सम्मान बढ़ाया, ईश्वर से ये दुआ है मालिक उनका भी सम्मान बढ़ाए और विनय खूब किन्नरों के लिए अच्छा अच्छा करने का मौका दिया जाए। और इन लोगों ने जो जो बातें कही हैं बहुत अच्छी कहा है और हम लोगों की बहुत सहायता करने का हम लोगों को आश्वासन दिया है। और मालिक ने चाहा तो अच्छा ही होगा और हमने अपनी मांग रखी है कि हमें थोड़ी भूमि दी जाए जिसमें हम अपना आश्रम और एक हॉस्पिटल और उसमें एक विधवा आश्रम बनाएं और गरीब यतीमों के लिए हम लोग सेवा करने का मौका चाहते हैं। चवन्नी भाई जी, आपको इतना मान सम्मान यहाँ मिला तो कैसा लग रहा है और आपकी? बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी हो रही है और ये पहली बार इतना मान सम्मान दिया गया है पत्रकारों के द्वारा और बाकी हम लोगों को नहीं दिया गया कभी ऐसा सम्मान। और बहुत से लोग हैं जो देते भी हैं सम्मान, मगर ये सम्मान अलहदा ही सम्मान है। सम्मान से हमारा बड़ा बड़ा दिल खुश हो रहा है और हमारे अंदर की भावनाएं जाग रही हैं और हम लोग समाज सेवा करने के लिए तैयार हैं और हर तरफ से हर सूरत से गरीबों की और क्या नाम है विकलांग हैं, कोई क्या नाम है मजबूर हैं, इनके लिए हम लोग तैयार खड़े हैं, हर तरफ से इनकी सेवा कराएंगे और इनकी सहायता कराएंगे। कोई गरीब है जिनके लिए शादी ब्याह के लिए, लड़कियों के लिए, जिसके भी लिए, जैसे भी कोई हमारे दरवाजे पे आके हमें बताएगा और हम इसकी सहायता कराएंगे ज़रूर। हम भी अपनी संस्था बना रहे हैं एक और इस संस्था के द्वारा हम और आगे कार्य बढ़ाएंगे। ये बहुत अच्छी पहल है कि जो हमारे थर्ड जेंडर हैं उन्हें मेन स्ट्रीम मिलाने के लिए सभी लोग आगे आ रहे हैं, चाहे वो सरकारी विभाग हों चाहे आपका जो पत्रकार समाज है, सभी लोग अच्छी बात है, इनको मेन स्ट्रीम मिलाने की आवश्यकता भी है और हम लोग एज अ डिपार्टमेंट एज अ पर्सन उनके साथ है। ऐसा ही मामला पलवर रोड के रामपुर गांव में देखने को मिला, जहां दो बाइक के आपस में टकराने से जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 20 वर्षीय एक युवक का एक्सीडेंट के दौरान गुप्तांग कटने के कारण मौके पर ही तड़पते हुए दर्दनाक मौत हो गई।
वहीं दूसरे युवक की गंभीर हालत बताई जा रही है। पुलिस को सूचित किया गया तो मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां एक को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे की हालत गंभीर बताते हुए डॉक्टर्स ने आईसीयू में उसको रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं पुलिस द्वारा पंचनामा भर मृतक युवक की बॉडी को अलीगढ़ पीएम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। मैं खुर्जा से गाड़ी लेकर आया था, मेरे ताऊगलेट के फोन आया कि सागर सुनो फरिंदर बच्चा और उसका कोई एक्सीडेंट हो गया। कहां पर कहां पर हुआ एक्सीडेंट? रायपुर पे। किस किस में एक्सीडेंट हुआ था ये कंफर्म ना बताया, ये मेरे को खाली ये बताया कि उनको टप्पल हॉस्पिटल में ले गए हैं। कौन पुलिस पहुंच गई थी मौके पर? मौके पर पुलिस पहुंच गई, उसके बाद फिर आप कहाँ अब कहाँ पर लेकर आए हैं? हम डायरेक्ट टप्पल ही आए हैं हॉस्पिटल में। अच्छा, ये कौन लगते हैं मृतक आपके? ये भतीजे। भतीजे। तो कितने बजे सूचना मिली थी आपको? हमको समथिंग 9:15 बजे। तो और किसी की भी चोट आई है? और की जानकारी ना अभी बताया जा रहा है, दो लोग हैं दूसरे की अभी हमको जानकारी। नगर निगम में हाउस टैक्स जमा करने पर 20% की छूट पाने के लिए शुक्रवार को नगर निगम में हाउस टैक्स जमा करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं नगर निगम में अभी तक 1,00,000 से अधिक करदाताओं ने टैक्स जमा नहीं किया है। 31 मार्च के बाद छूट समाप्त हो जाएगी, इसलिए शुक्रवार को 20% की छूट लेने के लिए सुबह से ही कैश काउंटर पर लाइन लग गई। मुख्य निर्धारण अधिकारी विनय कुमार राय ने बताया कि रात 12 बजे तक टैक्स जमा किया जा सका। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने आगरा रोड और दूरपुर में सीलिंग की कार्यवाही कर अवैध निर्माण के विरुद्ध में कार्यवाही के क्रम में पारित सील आदेश के अंतर्गत अवैध निर्माण को थाना शासी के पुलिस बल के साथ सील किया गया। वार्ड संख्या 530 धारा 27 वर्ष 2022-23 के अंतर्गत थाना शासनी गेट की पुलिस बल के उपस्थिति में सील किया जा रहा है। और यहाँ पर मेरे साथ अपर अभियंता और सुपरवाइजर्स और बाकी हमारे गार्ड्स उपस्थित। नर सेवा ही नारायण सेवा है, इसी भाव के साथ दुबे के पड़ाव पर हर वर्ष की भांति विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों लोगों ने मां भगवती का प्रसाद ग्रहण किया। बता दें कि ओटो वाले समाज से भी कई वर्षों से चैत्र नवरात्रि की दशमी तिथि को विशाल भंडारे का आयोजन करते आ रहे हैं। इस अवसर पर समाज सेवी ललित वाष्णेय ने बताया कि अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता, जो भी गरीबों को अन्नदान करता है उसके सभी पाप माँ दुर्गा दूर करती है। कहा कि जिसने भी दोनों हाथ फैलाकर माँ दुर्गा से जो भी मांगा माँ दुर्गा ने उसको जरूर दिया, इसीलिए माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के भाव से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा अन्नदान करना चाहिए, जिससे कि माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न हो। क्या नाम है और यहाँ किस तरह का भंडारे का कहाँ पे आयोजन हुआ है? मेरा नाम ललित वाष्णेय है। ये दुबे का पड़ाव पर भंडारे का आयोजन हो रहा है। ये वर्ष में 2 बार कराया जाता है, नवरात्रि की 10वीं तिथि पर। यहाँ सबसे पहले पूरी सब्जी और शाम को सायंकाल आरती के बाद माता रानी का चना लुआ का प्रसाद बांटा जाता है। सुबह से भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिल रही है। लगभग ये आप कितने साल से करा रहे? 26 साल। लगभग 25 वर्ष हो गए हमें ये करा। 25 वर्ष से। तो इस बार भक्तों की जो संख्या है और किन किन मतलब लेके मान्यता को लेकर ये आप जो है 25 साल से करा रहे हैं? ये माता रानी के प्रति हमारी आस्था है, जो हर वर्ष हम 2 बार कराते हैं। पूर्ण विश्वास है माता रानी का। ऐसी ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए ET News India। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।